हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्लान स्मार्ट विद अंकुर इन एसोसिएशन विद भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ये सीरीज़ है जहां हम लाइफ इंश्योरेंस की बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं चार वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं और आज पांचवें वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे मैट्रिक्स शेयर करना चाहता हूं जो आपको जानने और पूछने ज़रूरी हैं बिफोर यू चूज़ एनी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट मुझसे अक्सर ये लोग पूछते हैं कि जब भी लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे होते हैं अंकुर तो कौन कौन सी चीज़ों को फैक्टर में रखना चाहिए एंड उसके लिए मैंने ये बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया है अराउंड थ्री स्पेसिफिक थिंग्स दैट आई बेयर इन माइंड एंड यू शुड ऑल्सो जब भी आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदेंगे सबसे पहला इस कॉल द क्लेम्स सेटलमेंट रेशियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यह है कि आपके पास एक आश्वासन होना चाहिए एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कभी भी खुदा ना खास्ता अगर आपको क्लेम फाइल करना पड़े तो जो भी आपने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदा है तो वो क्लेम अच्छे से सेटल से हो जाए बिकॉज दैट्स फ्रेंकली द मेन थिंग राइट बेचते समय तो हर एक इंसान और हर एक कंपनी बहुत अच्छी लगती है बट द ट्रू मेरिट ऑफ हाउ अ कंपनी इज एंड हाउ वेल दे हैव रन इट इज जब आप क्लेम करते हैं तो उसका सक्सेस फैक्टर क्या होता है देर इज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी कॉल्ड द आई आर डी ए आई और वो एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती हैं हर साल विच लिस्ट डाउन द क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है कि अगर उस कंपनी को 100 क्लेम्स मिले हैं तो उसमें से कितने क्लेम्स एक्चुअली सेटल हो गए एंड दैट नंबर क्लियरली शुड बी अ वेरी हाई नंबर अब उस नंबर की जो रेंज है वो बहुत वाइड है देर आर कंपनीज विच

जो है वो सेटल हुए एंड सक्सेसफुली सेटल हुए विच इज अ ग्रेट टेस्ट टू हाउ वन कंपनी ट्रीट्स इट्स कस्टमर्स अब ये तो हुआ सेटलमेंट का लेकिन वॉट इज ऑल्सो इज़ कि कितने ड्यूरेशन में ये सेटलमेंट हो रहा है खुदा न खास्ता अगर आपकी जिंदगी को कुछ हो जाता है और आपके परिवार को एक कठिनाई भरे पीरियड से गुजरना पड़ रहा है और उनको फिर महीनों वेट करने पड़ रहे हैं फॉर दैट सेटलमेंट टू हैपन तो अगर वो सेटलमेंट हो भी जाए इट मे नॉट बी द राइट टाइम एट द राइट मोमेंट विच इज बाय द स्पीड ऑफ सेटलमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ये क्लेम करता है कि वन डे का सेटलमेंट पीरियड है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन एंड दिस इज सच अ सच अ अंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट कि आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे वेन यूर बाइंग एनी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट द थर्ड कि कौन कौन सी और चीजें हैं विच कम विद द इंटायर एक्सपीरियंस मेरे लिए पर्सनली सर्विस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड सर्विस मेरे लिए ये नहीं होता है कि कस्टमर केयर की हेल्पलाइन नंबर क्या है या ईमेल कैसा है इट इज हाउ मच इज़ द कंपनी थिंकिंग अबाउट इट्स कस्टमर्स बियॉन्ड द यूजुअल नॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर एग्जांपल भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ग्रीफ काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता है टू बी ऑनेस्ट वन डज अड टू डू दैट वो एक इंश्योरेंस कंपनी है उसका काम है आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना और बुरे वक्त में आपकी मदद करना बट फॉर देम टू कंसिडर कि ग्रीफ काउंसलिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द ओवरऑल एक्सपीरियंस जिस टेल्स मी हाउ दे थिंक अबाउट अस एज कस्टमर्स वो चाहते हैं कि उस बुरे वक्त में आपको जो पैसे की ज़रूरत है वो तो मिले ही लेकिन ऑल अदर इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट दैट कैन बी गिवन टू यू टू हेल्प यू नैविगेट थ्रू दैट डिफिकल्ट टाइम इज़ जस्ट एज इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए ये तीन चीज़ें हमेशा टॉप ऑफ द प्रायोरिटी रहती हैं नंबर वन क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाई होना चाहिए एटलीस्ट नाइंटी नाइन परसेंट नंबर टू क्लेम सेटलमेंट पीरियड जो है वो लोएस्ट पॉसिबल होना चाहिए एंड नंबर थ्री वॉट इज द सर्विस ओरिएंटेशन ऑफ दैट कंपनी क्योंकि बुरे वक्त में ही जब मुझे उनकी मदद चाहिए होगी हाउ आर दे लाइकली टू ट्रीट मी

And around life insurance. Stay tuned.